हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं एबी प्रोडक्शन टीवी। नाज़रीन करम, ये दौर ऐसा चल रहा है कि हर कोई पैसा कमाने के चक्कर में लगा हुआ है और हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी यही है। नाज़रीन करम, आज हम आपको दुनिया के 5 अमीर तरीन लोगों के बारे में बताएंगे जिनको आपने शायद कभी नहीं देखा हो। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 5 पर आते हैं वॉरेन बफेट, कि 30 अगस्त 1930 को ओमाहा यूएस में पैदा हुए। इस वक्त इनकी उम्र 93 साल है। ये दुनिया के 5वें सबसे अमीर तरीन इंसान हैं। 2008 में ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। आपको जान के हैरानी होगी कि ये 50 साल से ज़्यादा से एक ही घर में रह रहे हैं। इनसे मिलने के लिए इनके घर के बाहर लाइन लगी रहती थी, लेकिन ये किसी से मिलना पसंद नहीं करते थे। एक दफ़ा ऑक्शन हुई कि इनके साथ कौन लंच करेगा, तो 35 करोड़ लगे सिर्फ इनके साथ लंच करने के लिए। और फिर इन्होंने वो 35 करोड़ एक वेलफेयर ट्रस्ट को दे दिए। वॉरेन बफेट की बात की इतनी वैल्यू है कि ये अगर किसी को लेटर लिखते हैं तो इनके लेटर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं। वॉरेन बफेट की इस वक्त की नेटवर्थ $121.1 बिलियन है। नंबर फोर पर आते हैं लेरी एलिसन। इनका पूरा नाम लॉरेंस जोसेफ एलिसन है। ये 17 अगस्त 1944 को न्यूयॉर्क सिटी यूएस में पैदा हुए। इस वक्त इनकी उम्र 79 साल है। ये दुनिया के 4थे सबसे अमीर तरीन इंसान हैं। इनको पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इन्होंने कंप्यूटर लैंग्वेज और ओरेकल की इन्वेंशन की। लेरी एलिसन को इनकी एंट ने अडोप्ट कर लिया था और बहुत प्यार से पाला था। इनके पेरेंट्स अनमेरिड थे और दोनों ने ही एलिसन के साथ बहुत बुरा सलूक किया। इन्होंने पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी की। इन्होंने फिजिक्स और मैथ में डिग्री हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया, लेकिन वहां से इनको निकाल दिया गया और ये इनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। इन्होंने अपने दो फ्रेंड्स के साथ मिलकर $2000 की इन्वेस्टमेंट करके ओरेकल बनाई और यहाँ से ये कामयाब होते चले गए। लेरी एलिसन की इस वर्ड की नेटवर्थ $152.3 बिलियन है। नंबर थ्री पर आते हैं जेफ बेजोस। ये 12 जनवरी 1964 में न्यू मैक्सिको यूएस में पैदा हुए। 1994 में इन्होंने अपनी इन्वेस्ट बैंक की जॉब छोड़ दी। इनको इंटरनेट में ग्रोथ नज़र आ रही थी। इन्होंने सोचा क्यों ना किताबें बेचने के लिए एक ऑनलाइन स्टोर बनाया जाए। इन्होंने अपने स्टोर के लिए कई नाम सोचे, अमेजोन नेम फाइनल किया। बिल्कुल नाज़रीन कराम, मैं बात कर रहा हूँ अमेजोन की। जेफ बेजोस अमेजोन के फाउंडर हैं, जो एक वक्त में ऑनलाइन बुक सेल करते थे और आज दुनिया के अमीर तरीन लोगों में तीसरे नंबर पर आते हैं। जेफ बेजोस की इस टाइम की नेटवर्थ $160.9 बिलियन है। नंबर टू पर आते हैं बर्नर्ड अर्नोल्ट। ये 5 मार्च 1949 को रूबेक्स फ्रांस में पैदा हुए। ये दुनिया के दूसरे सबसे अमीर तरीन इंसान हैं। ये फ्रांस के बैंक लुइस विटर के फाउंडर और चेयरमैन हैं। इनका एक ब्रांड भी है लुइस विटर। ये बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें बनाते हैं, जैसे लेडीज़ बैग, शूज़ और परफ्यूम्स। इनके ब्रांड का एक बैग कम से कम 1 लाख रुपए तक का होता है। इस ब्रांड का एक टेडी बियर 25 करोड़ तक का होता है। मुझे मालूम है आपको ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। ये तकरीबन 70 ब्यूटी ब्रांड्स के मालिक हैं। ये इस वक्त $208.5 बिलियन के मालिक हैं। नंबर 1 पर आते हैं एलोन मस्क। ये 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका में पैदा हुए। इस वक्त इनकी उम्र 52 साल है और ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान हैं। एलोन मस्क टेस्ला स्पेस एक्स के फाउंडर, चेयरमैन, CEO एंड चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी हैं। 2020 का साल किसी के लिए भी अच्छा नहीं गुजरा बिकॉज ऑफ कोरोना, मगर एलोन मस्क ने इस साल $150 बिलियन से ज़्यादा पैसे कमाए। 2020 में इनकी नेटवर्थ $27 बिलियन और 7 जनवरी 2021 को इनकी नेटवर्थ $190 बिलियन हो गई, जिससे ये दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन गए। सिर्फ 12 साल की उम्र में इन्होंने ब्लास्टर नाम की गेम बनाई, जिसको इन्होंने $500 में PC एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी को सेल कर दिया। इन्होंने आगे चलकर और भी बहुत काम किए और बहुत मेहनत की। एलोन मस्क की इस वक्त की नेटवर्थ $248.8 बिलियन है।
दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।